हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद यूनिट फोर्थ पोएम क्राइंग ऑफ क्लास फिफ्थ वर्ड मीनिंग एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज. दिस पोएम इज रिटन बाय गैल्वे किने. वर्ड मीनिंग सोक्ड, कम्प्लीटली वेट, पूर्ण रूप से गीला. सावर, बाथ इन विच वॉटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबाव, ऊपर से पानी का छिड़काव, उसके नीचे नहाना. वेप्ट, सैड टीयर्स, आंसू बहाना. Cried, rona. Summary of poem, crying. Crying a little is of no use. थोड़ा रोना किसी काम का नहीं है. You must cry till your pillow gets drenched with your tears. Drenched means पूर्ण रूप से गीला. आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका तकिया पूर्ण रूप से आंसुओं से गीला न हो जाए. Only then you can be happy. और उसके बाद आप खुश हो सकते हैं. And jump in the shower. और उसके बाद आप shower के नीचे नहाएं. Only then you can laugh heartily. और उसके बाद आप दिल से हंसें. People may wonder at your activity. लोग आपकी एक्टिविटी पे wonder होंगे, अचंभित होंगे. But don't mind. लेकिन उसे mind न करें. You just tell them. आप उन्हें बताएं. That the happiness was lying in the last year. कि खुशी जो थी last के year में रुकी हुई थी. In other words, the last drop of tears carried happiness. दूसरे शब्दों में कि जो लास्ट का टीयर था उसने खुशी को छुपा रखा था. क्राइंग, रोना. रीड एंड एंजॉय. क्राइंग ओनली ए लिटिल बिट इज नो यूज. थोड़ा सा रोना किसी काम का नहीं है. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सॉक्ड. आप तब तक रोएं जब तक आपका तकिया पूर्ण रूप से गीला न हो जाए. सॉक्ड मीन्स कम्प्लीटली वेट. देन यू कैन जम्प इन द शावर. और उसके बाद आप शावर के नीचे जहाएं. एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. स्प्लैश मीन्स स्प्रिंकलिंग. और उसके नीचे उछले कूदे, पानी को इधर उधर छिड़काएं. स्प्लैश, प्लंप और स्प्रिंकलिंग. स्प्रिंकलिंग मीन्स छिड़काना. सोक्ड, कम्प्लीटली वेट. सावर, स्क्रू या सोकर. देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो. और उसके बाद आप अपनी खिड़की को खोल दे. एंड हा 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 हा. और उसके बाद आप जोर से हा 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 करके हंसी. एंड इफ पीपल से, और यदि लोग कहें, हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, हे वहां क्या हो रहा है, हा हा सिंग बैक, दोबारा से हा हा करके हंसी. हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर. खुशी अंत के आंसू में छुपी हुई थी. आई वेप्ट इट, हा हा. मैंने उसे बाहर निकाल दिया है, हा हा. इट मीन्स कि मैं अब खुश हूँ, मैंने खुशी को बाहर निकाल लिया है. वेप्ट मीन्स रोना होता है, बट यहाँ इसका मीनिंग टुक आउट होगा कि उसे बाहर निकालना, खुशी को बाहर निकालना. द पोएट गैल्वे किनेल. एक्सरसाइज, According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? Poet के अनुसार आपको कम रोना चाहिए या आपको ज्यादा? According to the poet, we should cry a lot. Poet के according हमें ज्यादा cry करना चाहिए. What can you do after crying a lot? ज्यादा रोने के बाद आप क्या कर सकते हैं? You can take a bath after crying a lot. आप ज्यादा रोने के बाद नहा सकते हैं. Question 3. Read the first two lines of the poem. Is the mood happy, sad, angry? Jealous, upset. Answer, sad. In the last few lines, the mood of the poet has changed. Last की lines में poet का mood change हो जाता है. What is it now? अब यह कैसा है? Very happy, angry, cheerful, sad, jealous. Cheerful, खुश था. Question 4. Are these sentences right or wrong? ये sentences सही है या गलत? The poet say you must not cry much. False. The poet say that you should cry till your pillow is soaked. True. The poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. True. The poet says that you should open the window and show people that you are crying. False. Page number 62. Question 1. The word happiness ends in N-E-S-S and comes from the word happy. Write three words that end in the same way. Which words do they come from? जो word happiness है उसकी ending N-E-S-S से हो रही है. यह word happy word से बना है. तीन और ऐसे word बनाएं जिनकी ending same ऐसे ही हो, और वो कौन से word उनके पीछे आ सकते हैं? First, politeness, cleverness, awareness, N-E-S-S. These are suffix. Suffix है जो word की last में लगकर दूसरा word बनाते हैं. Let's write. Question 1. Fill in the blanks with the exact filling words. जो सही जो filling words हैं उसके साथ खाली स्थान को भरी. The tourists were dazed to see the beautiful Taj Mahal. Amazed, soaked, worried, amazed. The lights went out suddenly. I was alone and dazed, worried, soaked, frightened.
ही हैज बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर डैश अनहैप्पी वरीड एंग्री वरीड द शॉपकीपर वॉज डैश वेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग अनहैप्पी शॉक्ड एंग्री शॉक्ड नरेट ए इंसिडेंट वेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस एक्साइटमेंट सरप्राइज यू कैन यूज द फॉलोइंग क्लूज एक ऐसी घटना का वर्णन करें जिससे आप एक्सपीरियंस है कोई आपकी खुशी हो एक्साइटमेंट हो जिसमें सरप्राइज हो आप नीचे दिए गए क्लू को यूज कर सकते हैं लास्ट ईयर आई वेंट टू डू विद माय पेरेंट्स देयर वाज वेरी एक्साइटिंग सिचुएशन व्हेन आई वाज इन द रोपवे एट दैट टाइम आई वाज वेरी हैप्पी एंड फ्राइटेंड आई एंजॉयड इट वेरी मच आई कैन नॉट फॉरगेट दिस इंसिडेंट थैंक यू